एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हम लगातार आपको किसान आंदोलन पर अपडेट दे रहे हैं क्योंकि आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है सरकार और किसानों के बीच। उम्मीद है कि आज तो कम से कम कोई हल निकल जाए। आंदोलन कर रहे किसान बार बार कह रहे हैं कि उनका राजनीतिक आंदोलन ये है नहीं, लेकिन ये तो बात सच है कि राजनीति हो रही है मामले में। विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही है तो बीजेपी भी खूब पलटवार कर रही है। एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों में तू-तू मैं-मैं का शोर है। एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। एक बार फिर सरकार पर कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने हमला बोला है। सोनिया ने बयान जारी कर कहा, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार देश आज एक दोराहे पर खड़ा है। एक ओर देश का अन्नदाता पिछले 44 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर अपनी जायज मांगों के समर्थन में डटा हुआ है, तो वहीं देश की निरंकुश संवेदनहीन और निष्ठुर भाजपा सरकार गरीब किसान और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने में जुटी है। प्रधानमंत्री, 60 किसानों की मौत हो गई बॉर्डर पर, उन्होंने शहादत दे दी, उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है? मोदी जी के मुंह से कि 60 किसानों के परिवारों के प्रति सांत्वना और सहानुभूति का एक शब्द निकलता क्यों नहीं? मोदी जी 73 साल में देश के इतिहास में पहली बार गांधीवादी और शांतिप्रिय तरीके से जो लाखों किसान बैठे हैं उनमें से 60 किसानों ने शहादत दे दी और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। जो आपकी संवेदनाओं और आपके सरोकारों को से जवाब चाहता है, बाकी जो प्रोसेस है बातचीत की वो अपनी जगह, लेकिन प्रधानमंत्री जी से तो अपेक्षा सबकी होगी ना। अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो जानते हैं आप, मुखिया की चुप्पी तो हैरान और परेशान करने वाली है, और खास करके इस सर्द मौसम में जब लाखों की संख्या में टिकड़ी है सिंघू बॉर्डर या अलग अलग जगहों पर, और वो कोई अनयूजुअल चीज नहीं मांग रहे हैं, मतलब चांद नहीं कह रहे हैं आपको उतार के दे देने के लिए हाथ में, तो जाहिर तौर पर वो चुप्पी थोड़ी परेशान करती है, हैरान करती है और चिंता को जन्म देती है। हालांकि केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी को पूरा भरोसा है कि नाराज किसान आज मान जाएंगे और आंदोलन खत्म होगा। सरकार, केंद्र सरकार बहुत संवेदनशील है और केंद्र सरकार ने किसानों के हित में ये कानून लाए हैं, किसी का व्यक्तिगत हित इसमें नहीं है। 70 साल से किसानों के लिए हित के कानून आए नहीं थे। स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट भी सरकार ने एक तरह से लागू की, MSP पर 1.5 गुना पैसा भी दिया, और किसान की आमदनी कैसे बढ़े इसके लिए सतत प्रयासरत है सरकार। कल तक जो संसद में इसके पक्ष में भाषण देते थे लंबे लंबे, आज उसका विरोध कर रहे हैं। ये तो किसान के हित के साथ मत टकराव कीजिए, राजनीति करिए, मुद्दा पकड़िए, भाजपा को गाली दीजिए, किसान को मोहरा मत बनाइए। किसान आंदोलन में तेज होती राजनीति के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से लेकर अमित शाह तक पंजाब बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और किसान आंदोलन पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के हर सवाल का जवाब देने के लिए बीजेपी ने जोरदार तैयारी की है। MP में कमलनाथ ने जब 16 जनवरी से आंदोलन की बात कही तब बीजेपी की तरफ से मोर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाला। ABP News आपको रखे आगे।